भगवान कृष्ण के जो एक्सपेंशन हुए हैं, जो विस्तार हुए हैं, उसमें सबसे पहला विस्तार कौन है, कोई बताएगा? सबसे पहला विस्तार है बलराम जी का। भगवान कृष्ण में और बलराम जी में कोई भेद नहीं है। ऐसा कहते हैं कि केवल भेद है रंग का, नंबर एक। नंबर दो, गुणों का, थोड़े गुण दोनों में भेद है। जब हम गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख आता है कि अथर्ववेद का एक अंश, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद, उसमें आता है कि जो शब्द ओम है, ओम, कितने लोग ओम शब्द के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं गुरु जी, बताइए थोड़ा सा। ओम उच्चते कृष्णा, उच्चते राधा, माँ उच्चते मकार जीरो बात है, और से कृष्ण है, ऊ से राधा रानी है, और माँ से मकार जीरो बात है। गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद में उल्लेख आता है कि ओम शब्द में पांच वर्ण है, पांच व्यंजन है, पांच, आ ऊ मा, और इसके ऊपर एक अर्धचंद्र है जिसमें कि दो है, एक तुरीय है जो ऐसे वाली डंडी होती है उसे तुरीय बोलते हैं, ऊपर एक बिंदु है जिसको अर्धचंद्र बोला जाता है। उसमें आ जो है उसको कहते हैं अकारात्मक, और वो बलराम जी का स्वरूप है, वो बलराम जी को डिनोट करता है। बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है, और बलराम जी जो है शेषनाग के रूप में विश्व का आश्रय है। हमने बलराम जी की डीटीज देखी है, वृंदावन जाते हैं कृष्ण बलराम है, पंजाबी भाग जाते हैं कृष्ण बलराम है, पर बलराम जी जो है वो शेषनाग के रूप में समस्त ब्रह्मांड के आश्रय है, उनके ऊपर ब्रह्मांड जो है वो टिका रहता है। इनको विश्व का विष्णावर भी कहा जाता है। बाहर की जितनी भी बातें हैं उनको जानने में ये अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, सतत रहते हैं, इसीलिए बही प्रज्ञ कहा। प्रज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, और बही मतलब बाहर, बाहर का जितना भी ज्ञान है, जितनी भी बातें हैं, उन सबको जानने के लिए ये हमेशा सावधान रहते हैं, सदैव जागरूक रहते हैं, सदैव ऑलवेज अलर्ट। यही बलराम जी जो है जब राम अवतार होता है तो लक्ष्मण जी बनते हैं, और यही बलराम जी इस कलियुग के अंदर नित्यानंद लोगों का रूप में प्रकट होते हैं। अब आप देखिए, सदैव जागरूक रहें कि जब बात आती है तो लक्ष्मण जी के बारे में कितने लोग जानते हैं, उनकी क्वालिटी क्या थी, मुख्य क्वालिटी क्या थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या थी, कोई बता सकता है? हाँ जी बोलिए। सेवा करना, उससे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या थी? बलराम जी का कार्य भगवान कृष्ण की सेवा है, बलराम जी का कार्य लक्ष्मण के रूप में भी भगवान कृष्ण की सेवा है, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 10-12 साल बड़े होने के बावजूद उनकी सेवा करते हैं। पर राम जी का जो मुख्य कार्य है, मुख्य गुण क्या होगा, ये मैंने आपसे एक शब्द इस्तेमाल किया है, सदैव जागरूक। उनके लिए नींद आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। उदाहरण कहां मिलता है, एग्जाम्पल कहां मिलता है,
लक्ष्मण वनवास के टाइम लक्ष्मण जी सोए। इतने लोग जो है चित्रकूट गए, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग चित्रकूट गए। माताएं कितनी गई? दो, एक छह, छह या सात लोग जो है चित्रकूट गए। आप चित्रकूट में कितने लोगों ने लक्ष्मण पहाड़ी देखी है? लक्ष्मण पहाड़ी नहीं देखी। भगवान राम चित्रकूट में कितने वर्ष है? तेरह नहीं होंगे तो बारह होंगे, बारह नहीं होंगे तो छह होंगे। एक एक करके सब बोलो, एक बात बोलिए, एक साल तो बोलेंगे, दो साल ही बोलेंगे, तीन साल वो बोलेंगे, पांच साल, आहिस्ता आहिस्ता करते चौदह साल हो जाएंगे। चौदह साल का वनवास था। जब आप चित्रकूट में जाते हैं, वहां पे जब कथाएं सुनेंगे तो आपको बताएंगे कि भगवान राम ने साढ़े ग्यारह वर्ष चित्रकूट में बिताए और उन साढ़े ग्यारह वर्षों में एक क्वालिटी थी कि लक्ष्मण जी एक पल भी नहीं सोए, एक पल भी, सदैव जागरूक। अरे अलर्ट रहना भाई। और कहां बैठ के जब कर रहे हैं? चल दो, लक्ष्मण पहाड़ी है उसके ऊपर। लक्ष्मण पहाड़ी से वो देख रहे हैं, अलर्ट हैं कि कोई वन्य जानवर या कोई राक्षस या कोई दैत्य हमला ना करते। जब भरत जी आते हैं, भरत मिलाप तो आपने रामलीला में देखा होगा, भरत मिलाप। अगर आप यहां खड़े हैं सामने तो सड़क के परली तरफ कौन आ रहा है आपको पता है क्या? मालूम है नहीं। पांच छह गाड़ियां लगी हुई हैं रास्ते में, उसके पीछे कौन से आ रहा वहां से पता लगता है क्या? नहीं। लक्ष्मण जी को पता है कि वो पहाड़ी के ऊपर है, अलर्ट है, दूर से देख लिया है भरत आ रहा है सेना लेके। मतलब बलराम जी जो है उनका जो कार्य है वो है भगवान कृष्ण की सेवा, और वही सेवा वो लक्ष्मण के रूप में राम जी की करते हैं। आप यहां पर कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, ये माइक चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारा साज सामान यहाँ रखा है। इस किसी भी साज सामान को धरती के ऊपर नहीं रखना है, नीचे चटाई होनी चाहिए या कारपेट होना चाहिए या जैसे पायदान होते हैं ऐसा कोई कवर होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो माइक है, चाहे वो मृदंग है, चाहे वो करताल है, चाहे वे ऐसा सिस्टम है जैसे स्टैंड है या मेज है या कोई किताब है, वो सारे के सारे जो है बलराम जी का स्वरूप है। मतलब सारे के सारे इस कलियों के अंदर नित्यानंद के स्वरूप है, उनको धरती पे नहीं रखना है, अपमान है। उनको आपने रखना है नीचे बेस बना के। जब भी हम पूजा करने के लिए, कितने का पुजारी है कोई? राधाकांत प्रभु पुजारी है। आप मंदिर में जाते हैं तो आप फर्श के ऊपर, नंगे फर्श पे खड़े होते हैं, ये चटाई डालते हैं, चटाई डालते हैं, क्योंकि बलराम जी का अवमानना होती है, अपमान होता है अगर आप कोई भी कार्य भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं और आपके पास उसके लिए नीचे या तो कारपेट नहीं है या चटाई नहीं है, मतलब कुछ होना चाहिए। उन्हीं नित्यानंद प्रभु की कल आविर्भाव दिवस। अब आता है इसमें हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उ, आ, उ, मा, उ की बात आती है। उ है उकारात्मक, ये एक चतुर्व्यूह बनता है। जब भगवान का हम एक्सपेंशंस को काउंट करते हैं, भगवान के एक्सपेंशंस को काउंट करते हैं, तो पहले चार एक्सपेंशन हैं,
चार एक्सपेंशन को लेके चलते हैं तो उसको कहते हैं चतुर्भुज। जैसे एक रेक्टेंगल होता है, स्फीयर होता है, इस तरह उसके चार कोने होते हैं, इस तरह एक कोने में जो है वो है बलराम जी, जिन्हें संकर्षण भी कहा जाता है, और दूसरे कोने में है प्रद्युमन जी। यही प्रद्युमन जी जो है राम अवतार के अंदर शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। प्रद्युमन जी राम अवतार में शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। तेजस स्वरूप है, कामदेव के अंश है, अति सुंदर है, जो राम अवतार के अंदर जो चार भाई हैं इनमें सबसे सुंदर कौन है? हरेक की सुंदरता एक से एक बढ़ के है। राम जी की सुंदरता कम नहीं है, लक्ष्मण जी की कम नहीं है, भरत जी की कम नहीं है, परंतु कामदेव का स्वरूप होने के कारण ये सबसे सुंदर है, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि काम के अंश हैं इसलिए मन में स्थित है, मन के अंदर है। तीसरा, सूक्ष्म जगत के अभिमानी है, सूक्ष्म जगत, क्योंकि जगत हमको अदृश्य है, जो हम देख नहीं सकते हैं, उसके इंचार्ज है। स्वप्न अवस्था, जो चीजें आपको स्वप्न में महसूस होती हैं उनका प्राकट्य शत्रुघ्न जी की वजह से होता है, यही उसका जो है प्राकट्य कराते हैं। इनका ज्ञान पूरे सूक्ष्म जगत में व्याप्त है। मन की जो सूक्ष्म डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, सूक्ष्म डिजायर, सटल डिजायर जैसे कहते हैं, उसके द्वारा जो आप कल्पनाएं करते हो, जो आप उसका एक जगत क्रिएट करते हो, ये कल्पना है, वो कल्पना है, ये डिजायर है, वो डिजायर है, वो आपके अंतर की सब बातें जानते हैं, इसलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। भगवान को अंतर्यामी कहते नहीं कहते, साधारण भाषा में कहते हैं। अंतर्यामी का अर्थ क्या है? कि आपके हृदय में स्थित है, आपके सब मन की बातें जानते हैं। तो ये जो शब्द है इसके अंदर ये डिनोट करते हैं कि भगवान अंतर्यामी क्यों है और आपकी बातें कैसे जानते हैं। मां शब्द जो इस्तेमाल होता है वो है मकारात्मक, वो अनिरुद्ध जी के लिए। वहां अनिरुद्ध जी की चर्चा होती है, बुद्धिमान है, जो आपके अंदर प्रज्ञा है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसका स्वरूप है। और यही जो अनिरुद्ध जी हैं ये राम अवतार के अंदर भरत जी के रूप में प्रकट होते हैं। सोया है मनुष्य कभी किसी भोग की कामना नहीं करता, क्योंकि तो उस वक्त उसकी सारी इंद्रियां जो है संकुचित होकर मन में समा जाती है, और मन भी सो जाता है और बुद्धि भी सो जाती है। तो सोया हुआ मनुष्य जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर सकता क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बुद्धि का कार्य होता है डिस्क्रिमिनेट करना, फैसला करना क्या गलत है और क्या ठीक है, वो फैसला नहीं कर पाता। कोई स्वप्न नहीं देखता, इंद्रियां मन दोनों सो जाते हैं, पर बहुत ही तेज बुद्धि के स्वामी है, बहुत ही तेज, ना स्थूल भोगों की ना सूक्ष्म भोगों की ओर दृष्टि रहती है, मतलब नो डिजायर्स एट ऑल। भरत जी के पास डिजायर होती है तो राज करते हैं, पादुका हो गया, पादुका लाए नहीं लाए। भरत जी के पास अगर डिजायर्स होती, अरे भैया मुझे तो बिना मांगे राज मिल रहा है, मेरे कंपटीटर राम जी तो चले गए, दूसरे कंपटीटर लक्ष्मण जी वो भी चले गए, मेरी तो मौज ही मौज है। आज के युग में ऐसा ही हो रहा, भाई भाई आपस में कहते मेरी तो मौज ही मौज है, वो भी गया, चलो जी मैं बड़े आनंद में हूं, सारी प्रॉपर्टी मेरी, सारा पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, मेरे तो आनंद आ गया। पर यहां क्या है? भरत जी कहते हैं कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं राम जी के खड़ाऊ ले आया हूं, खड़ाऊ के माध्यम से राज्य होगा, और मैं राज्य में रहूंगा भी नहीं। एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग है इनके, भरत जी कहते हैं मैं राज्य में नहीं रहूंगा। कहां रहोगे भाई, कहां रहोगे? किसी ने अयोध्या के पास जाके नंदीग्राम के दर्शन किए हैं, राधा कांत हो गए, प्रभु जी गए नंदीग्राम। क्या खासियत है जी नंदीग्राम की?
जमीन के नीचे कहा खोद के, वहां पर भरत जी धरती पर भी नहीं और सरकंडों की बिछा रखी है, उसके ऊपर सोते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, राज्य में नहीं रहूंगा। और वहां पे नंदीग्राम आज की डेट में जो उसकी खासियत दिखाई देती है हमको, अगर आपने ध्यान दिया हो, नंदीग्राम में हनुमान जी की और भरत जी की गले मिलते हुए टीटी है, दोनों गले मिल गए। कभी आपने देखी नहीं होगी, किसी जगह नहीं देखी होगी कि भरत जी और हनुमान जी दोनों गले मिल रहे हैं, क्योंकि जब वो संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा कोई दैत्य आ गया है, वो दानव है, वो राक्षस है जो मेरे ऊपर से जा रहा है। उन्होंने बांध मार के उसको नीचे गिरा दिया। जब राम राम का शब्द निकले तो पास गए तो देखा, उन्होंने पूछा कौन है, बोले मैं हनुमान जी हूँ, भगवान का भक्त हूँ, लक्ष्मण जी भी होश पड़े हुए हैं और मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आया। ठीक है बैठो, विश्राम करो। बोले विश्राम करूंगा तो दिन चढ़ जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा। बोले खतरा नहीं होगा, मैं तुम्हें एक तीर से सीधा लंका जी पहुंचा दूंगा, मेरे एक बाण से तुम सीधा लंका जी पहुंच जाओगे, वहां पे दोनों का मिलन है। एक बात, दूसरी बात आपने क्या अच्छी देखी वहां पे, क्या मशहूर है वहां का, याद करिए, जो वहां पर डीटी को खीर का भोग लगता है उस जैसी खीर मैंने एक ही जगह और पाई है, वह है कदम्बटेर। कदम्बटेर कहाँ है, कहाँ पर है, नंदग्राम के सामने है, वहीं पे। दोनों खीर अति उत्तम है, कोई मुकाबला नहीं है उनका। तो ये जो अनिरुद्ध जी हैं ये आनंदमय आनंद के भोक्ता हैं। और मजे की बात क्या है कि जब हम पहले बात कर रहे थे प्रद्युमन जी की, शत्रुघ्न जी की, उनके बारे में भी एक बात बता देता हूं। वो महल के बाहर सो रहे हैं, जब माता कौशल्या आती है ढूंढते हुए कि शत्रुघ्न जी कहाँ हैं, तो महल में कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। सुकीर्ति से पूछती है तुम्हारे पति कहाँ है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, कहती वो तो यहाँ रहते ही नहीं। ये कहाँ रहते हैं, देखा तो जाके बाहर सो रहे धरती पे। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ बाहर क्यों सो रहे हो, बोले मैं बाहर इसलिए सो रहा हूँ कि जब मेरे भैया दोनों वो बाहर धरती पे सो रहे हैं तो मैं पलंग पे सोने का, एक अच्छे जगह पे सोने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं भी वहीं सोऊंगा, ऐसा नहीं मिलता। तो जो ये शब्द है ओम, इसके बारे में जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। अब बचा उसके ऊपर तुरीय, जो अर्धचंद्र है उसका नीचे का हिस्सा। तुरीय जो है वासुदेव है, सारे विश्व में प्रतिष्ठित है, सब जगह वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ सर्वव्यापक है। कुंती महारानी कहती हैं कि वासुदेव सर्वव्यापक है, हर जगह उपस्थित है। वही वासुदेव जी जो है राम अवतार के अंदर राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो जो कृष्ण की एक्सपेंशंस हैं, ये हम देखें कि सारे संसार में प्रकट हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं सब जीवों के अंदर मैं हूं, सब जीव मेरे अंदर, नवे अध्याय में कहा गया वासुदेवम सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ वासुदेव है। कैसे मान लें इसको, कैसे समझें, कैसे जाने। अब ये जो सारा ज्ञान है ये इस कलयुग के अंदर हमको मिलता है नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, क्योंकि वो आदि गुरु है। बलराम जी जो है आदि गुरु हैं, तो उनका जो कि प्राकट्य होने के कारण नित्यानंद प्रभु जो है वो भी आदि गुरु हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। अब ये समझना कि सब कुछ वासुदेव है,
कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। भौतिक संस्कार जो हमें दिखाई दे रहा है, भौतिक संसार क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य। तो क्या हुआ, भगवान है, भगवान का अंश है, तो भगवान से ही आया ना, भगवान ही हुआ ना, तो ये सब वासुदेव। हम जीव और हमारा शरीर, जीव जो है मम एव अंश है जीव लोके, जीव भगवान का अंश है तो वासुदेव का अंश है, जो लोग हैं भगवान के अंश हैं तो भगवान के भगवान है, सब कुछ वासुदेव है। जिस प्रकृति से हमारा शरीर बना है, जो शरीर बना है जिस प्रकृति से, वो भी भगवान का अंश है तो वो भी भगवान है, और स्वयं भगवान भगवान है, सब कुछ क्या है, भगवान है। इसको और साधारण भाषा में समझिए, और साधारण भाषा में कि सब कुछ वासुदेव है। कैसे हैं? आप बर्फ लीजिए, बर्फ किसकी बनी हुई है? पानी की। भाप निकलती है किसकी बनी हुई है? पानी की। उस भाप से जाके मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं, किसके बने हुए हैं? पानी के। उस मेघ से वर्षा होती है, किसकी बनी हुई है? इसकी चर्चा करते हैं तो सब कुछ तो पानी है। इसी तरह बहुत एक प्रकृति भगवान का अंश है, शरीर में जो हमारी प्रकृति से बना है भगवान का अंश है, जीव अंदर है भगवान का अंश है, तो सब कुछ क्या है, भगवान है। और सिंपल समझिएगा, आप बर्फ लीजिए और बर्फ से एक घड़ा बनाइए, घड़े को पानी से भरिए और उस घड़े को तालाब में छोड़ दीजिए। तालाब में क्या है? घड़ा किसका बना है? अंदर क्या है? सब कुछ क्या है? इसी तरह भगवान क्या है? सब कुछ भगवान है। वासुदेवम सर्वविधि, शरीर भगवान का बनाया हुआ है, अंदर आत्मा भगवान का अंश है, स्वयं भगवान वहां विराजमान है, परमात्मा रूप से भगवान है, मतलब भगवान सब जगह उपस्थित है, सब हर चीज में भगवान। अब आती है चर्चा कि भगवान के जो विस्तार हुए हैं, विस्तार और भगवान में क्या फर्क है? नंबर एक। नंबर दो, हम उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग कार्य हैं। एक व्यक्ति से पूछा कि फिल्म देखते हो? बोला हाँ जी देखता हूं। अमिताभ बच्चन को देखा है? बोला हाँ जी देखा है। कि तुमने अपने घर के अंदर फोटो लगा रखी है उसकी? हाँ जी लगा रखी है। ये कौन है? कालिया। ये कौन है? दूसरा नाम लिया। ये कौन है? तीसरा नाम लिया। ये कौन है? विजय है, ये जय है, मतलब अलग अलग नामों से अमिताभ बच्चन को पुकारा जा रहा है। बोला भाई ऐसा है कि ये सब अलग अलग है क्या? साहब सारे अमिताभ बच्चन है? बोले अच्छा सारे अमिताभ बच्चन हैं तो फर्क क्या है? उसकी शक्ल रूप कुछ और है, उसके काम कुछ और है, उसके शक्ल रूप कुछ और है, उसके काम कुछ और है। सौदागर में वो गाँव का आदमी बना है, धोती कुर्ता पहने हुए है, कालिया में ऐसा बना है और चोले में ऐसा बना है, मतलब अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। कहता जी ऐसा है कि जैसा काम करना था वैसा रूप धर लिया, जैसा काम करना था डायरेक्टर ने जैसा बोला, जैसा काम करना था वैसा रूप धर लिया। बोले यही हाल भगवान का है, भगवान को भी जिस तरह का कार्य करना हो उसी के अनुरूप अपना विस्तार करते हैं। मत्स्य भगवान के रूप में किया, वराह भगवान के रूप में किया, वामन भगवान के रूप में किया, मतलब अलग अलग विस्तार अलग अलग रूपों में हो रहा है। कारण क्या है? कि जैसा कार्य था वैसा किया। बोले साहब
समझ नहीं आया, भले नहीं पढ़ा जाए दोबारा बताइए, जरा विस्तार से बताइए। चलो ठीक है, ये बताओ कि तुम में लालच है कि नहीं है, आप दूर से बताइए आप में लालच है कि नहीं है। किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई लालच छोटा मोटा रहता है। व्यक्ति जो है वो चाहता है मेरे पास टीवी हो, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, मेरे वस्त्र अच्छे हो, मेरी नौकरी अच्छी हो, मेरे सैलरी अच्छी मिले, लालच है कि नहीं है। स्त्रियां चाहती हैं घर अच्छा हो, बार अच्छा हो, मेरी किचन बढ़िया हो, किचन में सारे गैजेट्स हों, मैं भी अच्छी दिखाई दूँ, ब्यूटी पार्लर जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये लालच का स्वरूप है कि नहीं है। और हम किसके अंश हैं? भगवान के। तो लालच कहाँ से आया? कहाँ से आया? इसका मतलब भगवान भी लालची, वो लालची हैं तो हम लालची हुए। हमें लालच कहां से आएगा भाई? हमें लालच आ रहा है क्योंकि भगवान लालची है, वो लालची है इसलिए हम लालची हैं। हाँ, लालच की क्वालिटी में फर्क है, लालच की क्वालिटी में फर्क है। भगवान के मन में लालच है भक्तों के साथ आनंद लेने का, भगवान के अंदर लालच है अपनी लीला के प्रदर्शन करने का, भगवान के अंदर आध्यात्मिक लालच है। हमारे अंदर भौतिक लालच है, भौतिक संसार के ऐश्वर्य प्राप्त हो, भौतिक संसार का आनंद प्राप्त हो, भौतिक सुख भोग ऐश्वर्य की वस्तुएं उपलब्ध हो, हमें इसका लालच। भगवान का लौल्य, भगवान का लालच एक डिफरेंट टाइप का है और हमारा लालच एक डिफरेंट टाइप का है। भगवान अकेले हैं, सृष्टि की रचना नहीं हुई है, सृष्टि नहीं है, अकेले संपूर्ण बल के स्वामी हैं, उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, नो बड़ी पावरफुल देन है, संपूर्ण बल के स्वामी। मन में एक लालच उठा, आई वॉन्ट टू एंजॉय। अब एंजॉय कैसे करेंगे? तो अकेले हैं, अकेले हैं, एंजॉय कैसे करेंगे? आपके गली मोहल्ले में क्रिकेट टीम बन गई, कहती हम मैच खेलना चाहते हैं, अरे भाई सामने की टीम तो लाओ, अकेले थोड़ा खेल लोगे, सामने की टीम तो होगी तभी तो खेल पाओगे ना। तो भगवान अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो सामने की एक टीम चाहिए, तो उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, जीवों का प्राकट्य हुआ, उन जीवों के प्राकट्य से भगवान आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजा नहीं आया। मैं संपूर्ण बल का स्वामी, मेरे से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, तो मैं अपने बल का आनंद लेना चाहता हूं, मैं अपने बल का आनंद लेना चाहता हूं, कैसे लूंगा मैं अपने बल का आनंद कैसे लूंगा? इमीडिएटली योग माया प्रकट होती है, क्योंकि भगवान के धाम में कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती, सब इच्छाएं पूर्ण होती है, तुरंत, टाइम नहीं लगता, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अच्छा हफ्ते बाद सोचेंगे या अगले साल सोचेंगे, 15 दिन बाद सोचेंगे, नहीं, इमीडिएटली आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, और रिक्वायरमेंट भगवान की है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपने बल का आनंद लेना है, बल का प्रदर्शन करना है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई है नहीं, तो हाउ डू आई एंजॉय, कैसे आनंद लूंगा? तो योग माया जो है प्रकट होती है, अभी इंतजाम हो जाता है, एक क्षण में, एक क्षण में, और क्षण कितना बड़ा होता है कोई मेजरमेंट बता सकता है? एक क्षण सेकंड से बहुत 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 छोटा होता है। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि साधारण भाषा में वो निमेश है, तुटिका है, वेद है, वो अलग अलग सारी स्टोरी परमाणु है, बहुत सारी लंबी स्टोरी है कि क्षण की परिभाषा कहां निकलती है, परंतु शॉर्ट के अंदर वो कहते हैं यहाँ पे पीपल का पत्ता लीजिए,
पीपल का, सॉरी कमल का पत्ता लीजिए, कमल का पत्ता लीजिए और एक सुई लीजिए। सुई कमल के पत्ते को टच करेगी, एक क्षण हो गया, अंदर गई दूसरा क्षण हो गया, बाहर निकली तीसरा क्षण हो गया। तो एक क्षण में इंतजाम होना है, एक क्षण में क्या इंतजाम होता है कि ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, चारों कुमार जो है भगवान के दर्शनों के लिए आए। योग माया जय विजय द्वारपाल के द्वारा उनको रुकवा देती है। ब्रह्मा जी के पुत्र जो है क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं, जाइए असुर योनि में, पृथ्वी पर जाइए, भोग करिए असंख्य वर्षों तक। परेशान हो गए, क्षमा याचना करी, माफ कर दीजिएगा गलती हो गई, अपना श्राप वापस ले लीजिए, हम तो भगवान के द्वारपाल हैं, हमने तो क्योंकि भगवान इस वक्त पता नहीं पहले अंदर संदेश भेजेंगे, फिर वहां से संदेश आएगा तब हम आपको अंदर जाने देंगे, हम नहीं जाने की है, आप हमको बताइए हमने क्या बुरा किया है, परंतु तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमको दंडवत किया, क्षमा मांग रहे हैं। चारों कुमारों ने कहा ठीक है, तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, मंजूर, पर तीन जन्म तुमको धरती का लेना पड़ेगा। अच्छा, पहले जन्म में तुम रहोगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरे जन्म में रहोगे रावण और गोमधरण के रूप में, और तीसरे जन्म में रहोगे शिशुपाल और दंतवत्र के। तीन जन्म आपको रहेगा। चलो भैया, असंख्य जन्मों से अच्छा है कि तीन जन्मों में छुटकारा हो गया, बहुत बढ़िया। अब पहला जन्म आप भागवत का तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें उल्लेख आता है किस तरह युद्ध हुआ है, किस तरह वाला भगवान ने धरती को प्रबोधक सागर से निकाला है, किस तरह उसको बचा के लेके आए हैं, और पूरी भगवान ने अपने बल का प्रदर्शन किया। He enjoyed his power। पूरा युद्ध का वर्णन है, बहुत लंबा। तो हिरण्याक्ष जो है वो जो सॉरी हिरण्याक्ष के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें जब भगवान लेके आते हैं वराह रूप में, तो अपने जो जो जिसे कहते हैं आपकी सींग होता है यहाँ पे आगे, उसके ऊपर पृथ्वी को उठा के थोड़ा बहुत सुंदर फोटो बनाई है, उसको लेके आते हैं। हिरण्याक्ष से युद्ध हो गया, हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, हिरण्यकश्यप का राज हो गया, क्रोधित हो गया, तो बड़ा कष्ट हो रहा और तकलीफ हो रही है। भगवान सोचते हैं कि मेरा लालच अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बल का प्रदर्शन तो किया है, ठीक है, आनंद भी आया है, ठीक है, परंतु मैं वात्सल्य का आनंद लेना चाहता हूं, वात्सल्य प्रेम, संतान के प्रति प्रेम, उसका आनंद लेना चाहता हूं। तो जब आप देखेंगे कि जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ है और भगवान ने कौन सा रूप धारण किया है, नरसिंह भगवान का वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी द्वारा। भगवान जो है बहुत कृपालु है, जगत आये कृष्ण आये गोविंद आये नमो नमः, गौओं के और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। अब उन्होंने जो है देखा है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है, क्या वरदान दिया हुआ है, हिरण्यकश्यपु के पास क्या वरदान था, उसने कहा था मैं अमर हो जाऊं, मुझे मृत्यु ना आए, अमर हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते, फिर क्या करेंगे, तुम कुछ और मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। क्या वरदान मांगा, कि ना धरती पे मरू ना आकाश में, ना अंदर मरू ना बाहर, ना दिन में मरू ना रात में, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से,
मतलब उसने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया। अब भगवान जो है अपना आनंद लेने के लिए अपने को दो रूपों में प्रकट करते हैं। अवतार एक है, रूप दो है, मतलब एक है उग्र और एक है अनुग्र। उग्र रूप में नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं तो तांडव करते हैं, तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, थरथरा जाते हैं लोग, सारे देवता सब लोग घबराए हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज जिनके लिए प्रकट हुए थे उनको सामने करते हैं, भाई तुम ही जाओ, तुम ही इन्हें शांत कर सकते हो और कोई शांत नहीं कर सकता। अच्छा, प्रहलाद महाराज खड़े हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भगवान नरसिंह भगवान का उग्र रूप अनुग्रह हो गया, शांत हो गया। अब देखा युद्ध हुआ है हिरण्यकश्यपु के साथ, युद्ध हुआ है। उसके बाद जो है हिरण्यकश्यपु से पूछा है कि वो तुम कहते हैं क्या है, भगवान समझेगा, भगवान समझेगा, भगवान से खंभे में है। लाल महाराज कहते हाँ है। तो खंभे में पूछा मारा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए थे कि खंभे में पूजा मारने के बाद तब भगवान ने अपना उग्र रूप दिखाया है। जब प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं करी है तो भगवान शांत हो गए। अब प्रहलाद महाराज जो है उनको पास भेजा गया है, शांत कर दिया है। उनको शांत करने के बाद नरसिंह भगवान ने उनको बुलाया है, अपने लैब में बिठाया है, गंगा में बिठा के उनको प्यार किया है, वात्सल्य दिया है, वात्सल्य दे रहे, आनंद ले रहे, वात्सल्य दे रहे, खूब मजा आया, खूब वात्सल्य दिया। अब लालच पूरा नहीं हुआ, लालच पूरा नहीं हुआ, अब मुझे और चाहिए। क्या चाहिए? मैं तो खंभे से प्रकट हुआ हूं, मेरे पिता तो खंभा है, मेरे प्यार कैसे करेंगे? मुझे वात्सल्य मैंने दिया है, मुझे वात्सल्य मिलेगा कैसे? हाउ डू आई गेट इट, कैसे मिलेगा? अब उन्होंने कहा ठीक है, वात्सल्य लेना है तो राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं, दशरथ जी पिता है, तीन तीन माताएं हैं, तीनों माताओं का वात्सल्य लेना है। वात्सल्य लिया। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो उनका प्रकट है, उसके पीछे कैसी कैसी कथाएं हैं। देखिए आप, वात्सल्य लिया है तो वात्सल्य में अब उनके पास तीन माताओं का वात्सल्य मिल रहा है, खूब आनंद आ रहा है, खूब मजे ले रहे हैं। अब इन्हीं लालच पूरा नहीं, अब क्या चाहिए? मैं सखा भाव का आनंद लेना चाहता हूँ, सखा भाव का, मित्रता का, सखा भाव का आनंद चाहता हूँ। लीजिए, सुग्रीव जी आ गए, विभीषण जी आ गए, सखा है आपके, आनंद लीजिए आप। आनंद है फॉर्मल, फॉर्मल है। फॉर्मल क्या है? मैं उनके गले मिल सकता हूं, वो मेरे गले मिल सकते हैं, वो मेरे गले मिल सकते हैं, मैं उनके गले मिल सकता हूं। भाव दो है, एक समारंभ है, एक विश्राम भाव है। ये सम एक बराबर का भाव आ रहा है, मुझे तो दूसरा भाव चाहिए। ठीक है, उन्होंने लंका में रावण को पराजित किया और राज्य विभीषण को दे दिया। एक प्रश्न करता हूं, बाली को छुप के बाद क्यों मारा गया? भगवान डरते थे क्या बाली से? क्यों मारा गया? सोचिए, बाली का वध हुआ, राज्य सुग्रीव को दे दिया, लंका में रावण का वध किया, राजा रावण को दे दिया। तो सीता जी ने पूछ लिया कि सुग्रीव आपके अनुगत हो गया था, आपको समर्पण कर दिया था, आपको सरेंडर कर दिया था, तो आपने जो है उसे लंका का राज्य दे दिया। अगर बाई चांस रावण सरेंडर कर दे तो क्या करोगे? उसे क्या दोगे? अगर रावण सरेंडर कर देता है, उसका मन पलट जाता है, उसे क्या दोगे? तो राम जी कहते हैं अयोध्या का राज्य, मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। ये भगवान की कितनी कृपालुता है, सोचिएगा।
और जनरल बात करें, साधारण बात करें, तो तीन शब्द ऐसे हैं जो हमने भगवान को नाम दिए हैं, जो हमने दिए हैं, आपने दिए हैं, हमने दिए, सब ने दिए हैं। क्या नाम है वो? क्या नाम है? क्या नाम है? पतित पावन। हम पतित हुए, भगवान हमको बचाते हैं तो पतित पावन कहलाते हैं। हम पतित ना होते तो पतित पावन ना होते। पतित पावन तभी हुए ना जब पतित का बचाव कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर हम पतित ही ना होते तो भगवान पतित पावन नहीं होते। दीन बंधु, हम दीनहीन, और भगवान सोरेन सर्वभूता नाम हमारे बंधु हैं। हम दीनहीन हैं तो भगवान हमारे बंधु हैं। तो दीन बंधु, दीन नायक, दीनानाथ नाम हमने दिए। अब हम होले 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 भक्ति में आ गए, भगवान के भक्त बन गए, तो भगवान भक्त वत्सल कहलाए। नाम भक्त बनते ना भगवान भक्त वत्सल कहलाते। हम भक्त बने हैं तभी तो भगवान भक्त वत्सल हुए। ये तीन नाम हमने दिए हुए। सुग्रीव लंका से निकल के समुद्र पार करके इस तरफ जो है कुछ शिकार करने के लिए आए हैं। तो राउद में शिकार हुआ करता था, रास्ता भटक गए। विप्रघोष नामक एक गांव है, वहां पे आके जो है उनसे ब्रह्म हत्या हो जाती है। बाई मिस्टेक मान लग गया, ब्रह्म हत्या हो गई। सारे सैनिक बिछुड़ चुके हैं, ये खो गए हैं। गांव वालों ने पकड़ लिया और इनको जो है मृत्यु दंड का प्रस्ताव है। अब सुग्रीव जी फंसते हैं, स्मरण करते हैं भगवान राम का। भगवान राम प्रकट होते हैं, गांव वाले से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। कि ये कहते हैं मैं राजा सुग्रीव हूँ, लंका का राजा हूँ, हमारे यहाँ आए, इनसे ब्रह्म हत्या हो गई, तो उनका जो है दंड एक ही है, मृत्यु दंड। विभीषण जी की बात हो रही है। कहते हैं देखो, मैंने विभीषण जी को मृत्यु पर्यंत कल्प तक भोगने का प्रण दिया हुआ है, इनको वरदान दिया हुआ है कि कल्प तक ये राज्य भोगे। अब इनको तो मेरा वरदान छूटा जा नहीं सकता, इनको तो कल्प तक राज्य भोगना है। तो आप ऐसा करिएगा, इनकी जगह मृत्यु दंड मुझे दे दीजिए। ये मित्रता है, भगवान इसका आनंद ले रहे हैं। परंतु लालच पूरा नहीं हुआ। क्या चाहते हैं लालच में? कि शंभा ऐसा हो कि मैं उसके कंधे पे बैठूं, मेरे कंधे पे बैठे, गले मिलने तक नहीं, आनंद हो। वो मेरा कौर छीन के खाए, मैं उसका कौर छीन के खाऊं। तो कृष्ण अवतार के अंदर भगवान ने यही लीलाएं करी। अब इसके बाद जो है लालच अभी भी पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ पूरा। क्या चाहते हैं? मैं माधुर्य रस का आनंद लूं, माधुर्य रस, माधुर्य भाव। कैसे होगा? कृष्ण अवतार के अंदर गोपियों के साथ रास विचार है। एक सुखिया रस है, एक परकिया रस है। सुखिया रस का मतलब है अपनी पत्नी के साथ, और राम अवतार में एक पत्नी व्रतधारी है, और यहां पर दूसरों की पत्नियां आ रही हैं, जिनके साथ बचपन में जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और चढ़ाए थे, गोपाल चुराए थे, तो उनका विवाह हो चुका था। टेक्निकली उन्हीं की पत्नियां थी, परंतु अब दिखाने के लिए दूसरों की पत्नियां बन चुकी हैं। आनंद ले रहे हैं। कितनी आयु थी? 8 वर्ष, 8 years old, एडल्ट नहीं थे, 8 साल के थे। आनंद लिया, अभी भी मेरा लालच पूरा नहीं हुआ। क्या? कि मैंने संदेश दिया है, मन मना भगवत भक्तो मध्यादिमान नमस्कारो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मन मुझे दे दो। कैसे देना है मैंने बताया नहीं। सर्व धर्मान प्रत्यजन अमेकन शम मजा, कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तो आया नहीं। अब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भक्त बन के
कि मेरे को लोगों को सिखाना है कि भक्ति कैसे की जाती है। और जब भगवान आते हैं तो शेष जी साथ में आते हैं, तो साथ ही प्रकट होता है नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनको तो भगवान की सेवा करनी है। वो देख रहे हैं भगवान के लालच पूरे नहीं होने के बाद एक लालच बढ़ता जा रहा है, परंतु मैं तो सेवक हूं, मुझे तो सेवा करनी है। तो इस युग के अंदर भी चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, प्रकट होते हैं। आप देखिए कि काम आसान नहीं है, काम बड़ा मुश्किल है। अरे मुझे 12 बरस छोटा है और मैं उसके आदेश को मानूंगा, मैं उसके कहे अनुसार कार्य करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, क्या ही अच्छा है। यही नित्यानंद प्रभु जो है राम जी के रूप में, जब राम जी प्रकट होते हैं तो लक्ष्मण जी के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं, भगवान जी के रूप में कृष्ण लीला में उनकी सेवा में रहते हैं, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंदर ये उनकी सेवा में रहते हैं। अब नित्यानंद प्रभु के पास कितने लोग जो है एक चक्रा गए, अलग अलग लोग सब जगह घूमे होंगे, चारों तरफ पैर में राहु है इनके, हर जगह घूमाते हैं। तो इनका प्राकट्य जो है हुआ है वेस्ट बंगाल में एक चक्रा का छोटा सा एक विलेज है 1474 ईस्वी के अंदर, त्रयोदशी का दिन था जो कल आ रहा है शुक्ल पक्ष के अंदर माघ मास में इनका प्राकट्य हुआ है। और इनका जो है वहां जहाँ गर्भगृह है जिसको कि गर्भाशय कहते हैं, वहां पर जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। इनके माता पिता जो हैं वो हैं हदाई ओझा और पद्मावती, उनके घर इनका प्राकट्य हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण जी थे, बलराम जी थे, मतलब सब लीलाएं पुरानी मैंने आपको सुनाई हैं। और जब ये 12 साल के थे तब एक लक्ष्मीपति तीर्थ नाम के सन्यासी आए थे इनके घर में, तो ये उनके साथ चले गए। अगर आपने कभी महाभारत देखी हो तो महाभारत में जब युद्ध होता है तो बलराम जी जो है वो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जहां जहां बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए थे वो सारी जगह पे लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा में ज्ञान प्राप्त किया है। अब जब वो चले गए हैं, वापस आने को इनकार कर दिया है, तो इनके पिता ने शरीर त्याग दिया है। 20 साल ये उनके साथ रहे, 32 साल की उम्र में लौट के आए हैं एट द एज ऑफ 32। अब इन्होंने जो है उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रहे, उनकी सेवा में लगे रहे, कष्ट झेले, तकलीफें झेली, बहुत सारी बातें हुई, इन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने फिर जो अपना अवधूत स्टेटस था, जो कि मतलब ये एक सन्यासी के रूप में रहते थे, मतलब भव्य कपड़े पहन के रहते थे, वो इन्होंने त्याग दिया, क्योंकि सेवा करनी थी। इन्होंने जानवा देवी और वसुधा दो स्त्रियों से विवाह किया जो कि सूर्यदास शाकेल की पुत्रियां थी। अब सेवा करते करते आप देखिएगा कि आज की डेट में नित्यानंद प्रभु की उपासना विश्वभर में हो रही है, क्योंकि वो परिकर है, चैतन्य महाप्रभु के साथी हैं, चैतन्य महाप्रभु आदि गुरु हैं। आज आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हो, अगर आप नित्यानंद प्रभु को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो, के मार्ग से नहीं चलते हो, तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शुरुआत कहां से होती है? नित्यानंद प्रभु, वहां से ज्ञान प्राप्त किया तो राधा रानी, राधा रानी को भगवान कृष्ण, ये प्रोसेस है। आप डायरेक्टली भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको उनके रास्ते, प्रभु के रास्ते जाना ही पड़ेगा। और आज आप देखेंगे
कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे घर, असंख्य गिनती नहीं कर सकते आप, कि जहां पर भगवान कृष्ण की आराधना होती है और राधा कृष्ण की ड्यूटी को घर में स्थापित करना थोड़ा सा कठिन कार्य है, क्योंकि सेवा बहुत मांगते हैं, सेवा बहुत चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। पर चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि आपको असंख्य घरों में गौर मिताई की ड्यूटीज मिली, असंख्य घरों। तो जहां गौरांग महाप्रभु हैं उनके साथ अगर आप नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, उनकी ड्यूटीज नहीं रखते हैं, तो आप अधूरे हैं, अधूरे हैं आप, क्योंकि भगवान के साथ उनके परिकर आना मस्ट है। भगवान भक्तों के साथ अपनी लीलाओं का आनंद करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं, और भगवान के सहयोगी, भगवान के परिकर उनके साथ रहते हैं, और उनके मुख्य परिकर है नित्यानंद प्रभु। बिना नित्यानंद प्रभु के भगवान की सेवा अधूरी है, उनकी सेवा आप नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद जी ने मुख्य मुख्य स्थानों पे कृष्ण बलराम स्थापित किए हैं, और हर मंदिर में जो है गौरानिताई उपस्थित है, हर मंदिर में कहीं भी आप चले जाएंगे गौरानिताई की ड्यूटीज आपको मिलेंगी, उनकी सेवा होगी। तो आज इतना ही, शेष पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, भगवत गीता के माध्यम से, भगवत के माध्यम से कोई सवाल करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी माता जी पूछिए। ये संस्कृत के अंदर है कि उसमें जो है आ से कनेक्टेड जो चीजें हैं वो मानी गई हैं। जैसे आज हम चर्चा करते हैं कि आपको अपने आसपास की एनर्जी देखनी है, ऑरा देखना है, तो कहते हैं नकारात्मक वस्तुएं घर में मत रखिए और सकारात्मक वस्तुएं रखिए। सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक सोच मत रखिए। तो मतलब ना का मतलब है ना, जो चीज नहीं चाहिए वो आपको नहीं स्वीकार करनी है। तो यहाँ आ जो है बिगनिंग है, यहाँ बिगनिंग के अंदर जो है उसको लेके चलते हैं कि उनको अकारात्मक है वो मकारात्मक है, मतलब माँ से जो चीजें समझ में आती हैं वो माँ से कनेक्टेड है, जो आ से समझ में आती है आ से कनेक्टेड है, जो ऊ से समझ में आती है ऊ से कनेक्टेड है। जब आप गोदवाल उत्तर ताब्दी उपनिषद पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उपनिषद बहुत वास्ट है, ये तो एक सर समझिए उसको कहते हैं कि इशारा आपको दिया है, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं बताया है, क्योंकि उसको पढ़ना भी आसान काम नहीं है, समझ में नहीं आते हैं। कितने लोगों ने उपनिषद पढ़े हैं या कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है? तुम्हारा हाथ खड़े करिए जरा, दो दो करते हैं। कितनी बार पढ़ी है? 700 के 700 श्लोक पढ़े? नहीं सर, शुरू किया, शुरू किया है अभी। ये कितने लोगों ने 700 के 700 श्लोक पढ़े हैं? हाथ तो बहुत खड़े थे, मैंने पढ़ी, मैंने पढ़ी, मैंने पढ़ी, तो सारे हाथ पीछे हो गए। 700 श्लोक एक बार पढ़े हैं, दो बार कितनों ने पढ़े हैं, तीन बार कितनों ने पढ़े हैं, चार बार कितनों ने पढ़े, पांच बार, दस बार, बीस बार, तीस बार, सौ बार? अच्छा, अब दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, कितने लोगों को भगवद गीता समझ में आई है? तो पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? समझ में नहीं आई है तो हमें